अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें नहीं, आपको ये बताना है कि आपके लिए शादी कितनी जरूरी है। इस बार परीक्षा हम नहीं, आप देंगे पार्थ। अगर सच में आपको हम चाहिए, ये शादी चाहिए, तो आपको वृंदावन आना पड़ेगा। तुमने अपनी मन की मिल गई शांति, तुम तो खुश होंगे ना। बलाटन मीरा से पीछा छूटा तुम्हारा। किसी ने सही कहा है कि अगर इंसान को आसानी से हीरा भी मिल जाए ना, तो उसे पत्थर समझ के वो फेंक देता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है तुमने मीरा को। आज की दुनिया में कोई तुम्हारे सामने बीच भी जाए ना, तो तुम कतरा नहीं करते हो, बल्कि उसे रेंगते हुए निकल जाते हो, ये सोच के कि वो तुम्हारे लिए ही बना है। प्यार से दुनिया जीती जाती है, ये झूठ है। ऐसा सबक सिखाया है तुमने मीरा को। और सबसे बड़ी बात कि हमें गलत साबित किया तुमने, शर्मिंदा कर दिया तुमने हमें। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे कि तुम्हारी शादी हमने मीरा से करवाई। ये सोचा था कि उस लड़की के साथ रह के तुम्हारा जीवन सवर जाएगा, पर तुम तो इतने एहसान परामोश निकले कि उस बच्ची का जीवन तुमने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसकी समझ ही नहीं है तुम्हें। तुम अपने ही दुश्मन बने बैठे हो। बहुत कोशिश की हमने तुम्हारा जीवन संवारने की, पर नहीं। तुम्हारे भाग्य में तुम्हारा वतन तुम्हारे ही हाथों से लिखा हुआ है, सब झेलो। बहुत नाइंसाफी की तुमने मीरा के साथ। अच्छा हुआ वो लड़की चली गई। अब तुम उसके प्यार की परीक्षा ले रहे थे। कब तक वो तुम्हें परीक्षा देती रहेगी, कब तक? अरे कभी तुमने उसके लिए कुछ किया है? नहीं ना, उसकी पारी अब खत्म हो गई। हाँ, पर अब तुम अपने गिरे भान में झांक के देखो कि तुम्हें क्या चाहिए, कौन से रास्ते पे जाना चाहते हो। तुम खुद का रास्ता खुद चुनो, चाहे वो आबादी का हो या बर्बादी का। बहुत बन लिए तुम्हारे सारथी, पर तुम अर्जुन नहीं बन सकते हो। तो ना तुम काना के लायक हो, ना उनकी मीरा के। Yeah.
गर्जी ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? वो बहुत ही मीन, स्वार्थी और बदतमीज किस्म के इंसान है। आज के बाद हमारे खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है ना, तो ये खाल निकाल देंगे तुम्हारी, समझी? ये क्या हुआ बिट्टू, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? डर भाई ने तुम पे हाथ उठाया? हम अभी उनसे बात करते हैं, तुम रुको यहीं पे। अब तुम क्यों हमदर्दी दिखा रहे हो? उन्होंने हमें मारा है, तुम्हारे इन सबसे क्या लेना देना है? ये सब कुछ जो हो रहा है उसके असली गुनहगार तो तुम ही हो। तुम्हारी वजह से हमें गर्जी से शादी करनी पड़ी, तो अब ये झूठी कहर दिखाने का ढोंग मत करो। तो तुम हमारा पॉइंट समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तो कैसे कर लेते तुमसे शादी, हाँ? कैसे उठाते बाप बनने की जिम्मेदारी? क्या खिलाते हम तुम्हें, क्या खिलाते उस बच्चे को? नहीं कर सकते थे बिट्टू, शादी मजबूरी थी हमारी। नहीं है हमारे पास इतने पैसे, हम क्या करें? नहीं कर सकते थे तुमसे शादी। पर अब और नहीं बिट्टू, तू हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं हम। गलतियों का एहसास है हमें बिट्टू, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं हम। बस करो साहिल, चुप हो जा, हमारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हारे मम्मी पापा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिट्टू हम दोनों तो एक हो सकते हैं ना, हाँ? एक रास्ता है हमारे पास बेटू, तुम हमारा एक काम करोगी प्लीज? बोलो बेटू, रेडी हो तुम हमारा काम करने के लिए? हाँ, बताओ क्या करना है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आज तुम यहां से गए और खत्म हो हमारी शादी, तुम सोच लो मीरा, तुम्हारे लिए शादी ज्यादा जरूरी है या काम? हाँ हाँ, बात एकदम पक्की है, मीरा और पार्थ का जबरदस्त झगड़ा हुआ है। इनफैक्ट पार्थ मीरा को यहां आने से रोक रहा था, पर मीरा नहीं रुके। रियली? लगता है तुम्हारा जादू चल गया। हाँ देविका, मीरा पार्थ से लड़कर आई है, और हाँ, मीरा ने पार्थ को अल्टीमेटम दिया है कि अगर पार्थ ये रिश्ता बचाना चाहता है, मीरा से प्यार करता है, तो उसे वृंदावन आना होगा। तो
अब देखिए दीवानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।